दासियों को संन्यास दीक्षा प्रदान की है। हिंदू धर्म के सभी मत पंथ संप्रदायों के प्रमुख धर्माचार्यों की सर्वोच्च संस्था जिसमें चारों शंकराचार्य महाराज जी का कुछ कुछ देकर के सम्मान करें। माननीय एसपी सिंह जी आइए।
सबसे चर्चित हॉस्पिटल चंदन हॉस्पिटल के ओनर है हमारे बीच में अमर सिंह जी, हम चाहते हैं वो महाराज को कुछ कुछ देकर के उनका सम्मान करें। मुकेश सिंह जी से आग्रह है, तब तक वो मुकेश सिंह जी पहुंचे ऊपर स्वागत करें। हाँ प्रदीप, नरेंद्र सिंह जी, माधव शरण जी, संतोष जी, लाहौरिया जी, एसकेडी सिंह जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर धीरज मल्होत्रा प्रिंसिपल ग्लोबल स्कूल के, राहुल राजी जी, श्री राम धवल सिंह जी, बहन सिंह जी, सुधीर पांडे जी, दयाल सरकार जो की है, हमारे पिताजी यहाँ पर हैं, माता जी हमारी पत्नी हैं, भाभी हैं, पाप हैं, नैनिका हैं, सब लोग ऊपर आए और शॉल उठा करके महाराज जी का स्वागत करें एक साथ। अवनीश अवस्थी जी और माननीय अवस्थी जी भी हैं, अब यहाँ
इस व्यवस्था को पूर्ण कराने में हमारा सहयोग करें। अरविंद जी बिष्ट का, मुकेश शुक्ला जी का, जिनके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। हम चाहते हैं साथ में हम भी जुड़ करके चारों लोग चलते महाराज जी का माल्यार्पण करें। तो चंद्रमा दिखा, ललाट की तरफ देखा तो सूर्य दिखा,
और जब संपूर्ण शरीर की तरफ देखा तो ऐसे लगा कि तीनों लोगों का दर्शन हो रहा है, ऐसा दिव्य स्वरूप। आपको मैं सच बता रहा हूं, जब गुरु जी के कदम आगे बढ़े तो उसके पहले तक वृक्षों में, पत्तों में, टहनियों में बड़ी शांति थी, और जैसे गुरु जी ने चलना शुरू किया वैसे वृक्ष हिलने लगे, धीरे धीरे समीर और मगन चलने लगे। तब मुझको लगा कि वास्तव में चलने पर इस तरीके की मंद मंद जो मले मले हवा आ रही है, ये समीर कहाँ से आ गई है। तब हमको लगा कि गुरु जी के चलने से जो वायु का वेग है उसका भी आभास हर किसी को हो रहा है। फिर गुरु जी के जब कदम बढ़ रहे थे और गुरु जी आगे की तरफ चल रहे थे तो हर किसी के मन में यही इच्छा थी, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, एक झलक तो गुरु जी की हमको मिल जाए। और उसको देखते हुए गुरु जी जब मंच पर विराजमान हुए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि सामने बैठा हुआ ये संपूर्ण विद्वज्जन, सुधीजन और गुरु जी के आगे मंडल से कैसे प्रभावित होते हैं, प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तब मैं ऐसे गुरु जी का स्वागत कैसे कर सकता हूँ। गीता में कहा गया है, 700 श्लोक गीता में है जिसमें कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान योग के बारे में कहा गया है, 208 श्लोक कर्मयोग के बारे में, 209 श्लोक भक्ति योग के बारे में और 211 श्लोक ज्ञान योग के बारे में कहा गया। भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों की त्रिवेणी देखना हो तो आदरणीय गुरु जी की तरफ आप देखिए, आपको दिखाई पड़ जाएगा। ऐसा संत शिरोमणि हम सबके, जिनके आशीर्वाद से सब कुछ मिल जाता हो, और दुनिया के अंदर जिन्होंने अपने वचनों के द्वारा, वाणी के द्वारा, विचार के द्वारा भारत के भगवान को संपूर्ण विश्व में फैला दिया हो, ऐसे गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सब की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय गुरु जी से क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहता हूँ, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आज का दिन दो तरीके का है, एक तो आप देख रहे होंगे कि एक चित्र लगा हुआ है, कुंवर यशार्थ की आज पुण्यतिथि है। यहाँ आने पर गुरु जी एक छोटी सी फिल्म हम लोगों ने देखा, आपके प्रवचन, आपके गीत भी सुने और राजेश जी के कुछ भाव भी मैंने देखे। मैं देख रहा था तो मुझको लग रहा था कि वास्तव में बेटा किसी का भी हो कैसा लगता है, कैसा दिखता है, कैसा भाव जागृत होता है। मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि आठवीं पुण्यतिथि है, हमने कहा 8 वर्ष हो गए। तब मेरे ध्यान में आया कि 8 वर्ष हो गए, आगे कितने महीने हो गए, तब मुझको पता चला कि 96 महीने हो गए। मैंने सोचा कि कितने दिन हो गए, तब मुझको लगा कि 2920 दिन हो गए। तब मैंने सोचा कितने घंटे हो गए, तब मुझको लगा कि 70,080 घंटे हो गए। तब मैंने सोचा कितने मिनट हो गए, तब पता लगा कि 42,04,800 मिनट हो गए। तब मैंने सोचा कितने सेकंड हो गए, तो 25,22,88,000 सेकंड हो गए। जब मैंने सेकंडों पे पहुंचा तो मैंने सोचा कि राजेश जी की पल्स कितनी बार चली होगी, कितनी बार राजेश जी ने सांस लिया होगा, तो 25,22,88,000 वो पल, वो क्षण, वो सेकंड इन्होंने कैसे सब कुछ समर्पित करते हुए गुरु जी के सिर चरण में समर्पित किया और समर्पित करके उस भाव से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। ऐसे कुंवर यशार्थ के सिर चरणों में हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं इतने कहना चाहता हूँ कि वदन मुखा सदैव सदैव हृदय में सदैव ऊंचो वाचा, करणम परोपकरणम येषां केषां गते बांधा। महान पुरुष आते हैं और अपने बच्चों के अभी छाप छोड़ करके चले जाते हैं, उसी पर चलते हुए हम सब लोग प्रकट के पद पर अग्रसर होते हैं। हमारे मित्र हैं राजेश जी, हमारे भाई हैं, और उन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए, एक वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनको सार्थक ही मानता हूँ। आदरणीय गुरु जी, हम सबका सौभाग्य का मंच पर विराजमान है। और देखिए यहाँ तमाम विसर्जन में अध्यात्म की भूमिका और साक्षात अध्यात्म मंच पर विराजमान है, कितनी बड़ी बात है। आज दिन रविवार है और रविवार का मालिक सूर्य होता है, संयोग से आज तारीख 5 है, 5 की राशि सिंह बनती है,
और सिंह का मालिक भी सूर्य होता है और सृष्टि की रचना आज से 1,98,55,5,124 वर्ष पहले हुई। तो सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,124 वर्ष बीत गए, छह मन्वंतर बीत चुका, सातवां मन्वंतर चल रहा है, सातवें मन्वंतर की 28वीं चतुर्थी भी चल रही है। मेरे गुरु जी का मंडल रहने का आशीर्वाद तब भी था, आज भी है और आगे भी इसी तरीके से बना रहेगा। और इसी में मैं कहता हूँ, भगवान सूर्य से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आदित्य प्रथम नामाधिपति आनंद दिवाकर तृतीय भास्कर प्रोक्त चतुर्थम प्रभाकर, आदित्य प्रथम नामाधिपति आनंद दिवाकर तृतीय भास्कर प्रोक्त चतुर्थम प्रभाकर, पंचम सहस्राष्टम चतुर्लोचना सप्तम ऋत षष्ठम च विभावस्व नव निर्भेको दसवं द्वादशम एकादश मूर्ति द्वादश सूर्योचना। हे सूर्य भगवान, ऐसी कृपा करिए, गुरु जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे। सूर्य जब निकलता है तो भगवा में ही निकलता है, उसका कलर भगवा होता है और हमारे महाराज जी भी भगवा कलर में यहाँ पर विराजमान है। निश्चित रूप से हम उसी भाव से इनको देख रहे हैं, इसी भाव से इनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और इनको देखने के बाद, इनको सुनने के बाद, इनसे मिलने के बाद एक क्षण, एक पाण, एक भाव उस रूप में आता है कि तनाव का कहीं पता ही नहीं चलता है। निश्चित रूप से हम सब लोग इनके ऐसे वचनों को सुनेंगे, इनके हम मधुर में पानी से अपने श्रवणगार को संचित करेंगे, आप विभोर होकर के जाएंगे, बहुत सारा प्रसाद मिलने वाला है। हमारे बीच में हमारे नेता स्वतंत्र देव जी हैं, बाबू जी विराजमान हैं, पूरा परिवार है, राजेश भैया आयोजक हैं, हमारे संयोजक हैं, सभी सुधी सोचा गण यहाँ पर विद्यमान है, विराजमान है। सबके श्री चरण में प्रणाम करता हुआ एक बार गुरु जी को मैं कहना चाहता हूँ, असित कृष्ण शाकल सिंधु पात्रे सुर तर शाखा लेकर पत्र मुर्गीय लिखित सार्था सर्व कालम कदम गुणाक्षर पारम नयाती। यदि माँ सरस्वती स्वयं गुरु जी के गुरु का बखान करना चाहें तो नहीं कर सकती, मेरी क्या हिम्मत कि मैं गुरु जी का स्वागत करूँ, अभिनंदन करूँ, वंदन करूँ। लेकिन फिर भी आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सबसे निवेदन करते हुए कि अपनी तालियों के लिए पुष्पांजलि गुरु जी तक पहुँचाइए और अपने तालियों के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, गुरु जी का वंदन के लिए जोरदार तालियां कम से कम एक मिनट तक बजनी चाहिए। गुरु जी के स्वागत की, गुरु जी के अभिनंदन में हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम लोग महापुचार्य हैं, आज हमको गुरु जी मिले हैं और इनके अनुष्ठ विधानों के लिए तो हम लोगों को मिलेगा। ये प्रार्थना राजेश भैया का बहुत धन्यवाद करते हैं और राजेश जी के लिए राजेश जी के लिए संस्कृत का श्लोक जो उनके ऊपर बहुत निश्चित रूप से उनके ऊपर एकदम सटीक बैठता है कि महंति नद्या हस्वे मे नाम्याश्वे मैं खात निर्भला निरक्षा धारा धरो वर्षक नाम मेरे तो परोपकारा सदा मृत्या परेशा मुकारा परोपकारा कच्चे परोपकार है एक बुढ़ास्ते परोपकार संसार से कल्याण भर। ऐसे है मेरे राजेश भाई जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है, एक बार पुनः हमारे प्रसाद के बिना भाव बिनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गुरु जी के श्री चरणों में अपना शीश झुका करके निवेदन करते हुए स्वागत और अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कल्याणी मोक्ष दा धर्म धरा उत्तर प्रदेश की यह अत्यंत आद्य धारा जहाँ भारत की कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति आद्य सभ्यता उसके दिव्य संस्कार और
अनुपम संवेदनाएं अभिरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। यह धारा जहाँ पतित पावनी माँ गंगा, ब्रह्म भय हारिणी, यम त्रास निवारिणी कालिंदी, अलौकिक पारलौकिक सकल अनुकूलताओं की प्रदात्री और मोक्षदा अंतः सलिला माँ सरस्वती तीर्थ रूप में विद्यमान हो, जो अवतारों की जननी है, जहाँ सभ्यता, मानवीय सभ्यता और मानवीय अस्तित्व ने जन्म लिया हो, ऐसी उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक नगरी लक्ष्मणपुरी, जो गोमती के तट पर बसी है, ऐसी इस लखनऊ नगरी में गौलोकवासी प्रिय कुंवर की पुण्य स्मृति में ये एक ऐसी संध्या है जिसमें हम अपने अंतःकरण में आस्था, विश्वास, श्रद्धा और एक स्मृति सजोए हुए हैं। ऐसे इस काल में दयाल परिवार के प्रमुख पूज्य बाबूजी, मातृश्री प्रिय राजेश जी और ये एक आयोजक मंडल जिनमें प्रिय मुकेश शुक्ला जी, आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय अरविंद बिष्ट जी और उन्हीं के द्वारा अभिप्रेरित इस दिव्य समागम में हम सबके बीच में उपस्थित भारत के उन्नयन उत्कर्ष के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ऊर्जावान, यहाँ के जल और विविध मंत्रालयों के मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जल और विविध मंत्रालयों के पूर्व मंत्री और एक अत्यंत ऊर्जावान, प्रज्ञावान, ओजस्वी वक्ता, अद्भुत साहित्यकार मनीषी प्रिय महेंद्र सिंह जी, भारत का गौरव जिनके स्वर में माधुर्य है, लोक रंजन से लेकर जो आत्म रस तक पहुंचाती हैं, जिनके वाणी व्यवहार में, उनके गायन की प्रस्तुति में ब्रह्म रस आविर्भूत होता है, ऐसी आदरणीय मालिनी अवस्थी जी, प्रिय अपर्णा यादव और आप सब जो सुधीजन हैं, संस्कारवान हैं, नगर के श्रेष्ठी और गणमान्य हैं और विविध विभूतियाँ जो आप सब के रूप में यहाँ बैठी हैं, उन सब के प्रति बहुत आदर स्नेह के साथ मेरी शुभकामनाएं। और चूंकि आप में ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है, उसके प्रति मेरे सादर नमन। आदरणीय महेंद्र जी ने जिस ढंग से एक अद्भुत प्रस्तुति की, विशेषकर काल की, काल की गणना, एक सशक्त, प्रभावी और प्रामाणिक एक उनकी ये अभिव्यक्ति जिसमें उन्होंने काल के स्वरूप को परिभाषित किया मन्वंतरों के रूप में, युगों के रूप में, फिर वो एक प्रकार से संवत, अयन, मास, पक्ष, दिवस, अहोरात्र और काल की सूक्ष्म
गणनाओं में जो सेकंड्स हैं और फिर पल विपल निमिष अथवा त्रुटि से लेकर हृदय के स्पंदन तक वो पहुंचे, वो नाड़ी स्पंदन तक भी पहुंचे, नाड़ी के स्पंदन में और उस स्पंदन की गणनाओं तक में उन्होंने कोई स्मृति की बात कही। और गीता यही कहती है, तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। जीवन एक युद्ध जैसा है, एक संघर्ष है, यहां बड़ा संघर्ष है। और उस संघर्ष को भी हम न कहें तो पुरुषार्थ करना होता है, यहां श्रम के बिना कुछ हाथ लगता नहीं। उस संघर्ष में, श्रम में, पुरुषार्थ में हम निरंतर कुछ एक स्पंदनों को कभी कभी अनुभूत करते हैं। काल, गति, कर्म, स्वभाव, रुचि, प्रकृति, ये सब कुछ नहीं है अगर स्पंदन नहीं है, चैतन्यता नहीं है, जीवंतता नहीं है। अगर आप जीवंत नहीं है, आप चैतन्य नहीं है, तो ये जो कुछ भी है ठहरा हुआ है। इसलिए वो स्पंदनों की बात कर रहे थे और उसमें उसकी स्मृति की, अपनों की स्मृति की, कि किसे याद रखा जाए और कितना याद रखा जाए किसको। इसमें गीता परिभाषित करती है किसे याद रखा जाए, गीता स्मृति की बात कहती है। तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, सत्य विस्मृत न हो जाए, यथार्थ का विस्मरण न हो जाए, हम यथार्थ को भूल न जाए, हम सत्य का विस्मरण न कर दें। प्रतीक है कृष्ण, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे याद करते रहना। वह मुझे का अर्थ आशय सत्य से है, यथार्थ से है, उससे है जो नित्य विद्यमान है, उससे है जो अक्षय है, अव्यय है, सनातन है, शाश्वत है, समीचीन है, प्रत्येक काल में, परिस्थिति में जो नित्य सत्ता है। ऐसे तस्मात सर्वेषु कालेषु मेरी स्मृति बनी रहे। वेदांत भी यही बात कहता है, वेदांत कहता है कि जितने दुख, दैन्य, अल्पता, भ्रम, भय, संशय और नाना प्रकार की पीड़ाएं हैं, केवल इस कारण है कि हमको आत्मविस्मृति हो गई है, हमको सत्य की विस्मृति है, हम भूल गए हैं और हम विस्मृत हैं, भूल गए हम सत्य को, यथार्थ को भूले बैठे। वेदांत यहीं से आरंभ करता है कि आत्मविस्मृति ही दुख का कारण है। आत्मविस्मृति, आत्मविस्मरण, ईश्वर का विस्मरण, जो भगवत विस्मरण है, भगवान का की जो विस्मृति है, वही दुख का कारण है। भगवान का अर्थ है यहां सत्य से, सत्य का विस्मरण। जब व्यक्ति अपने स्वभाव, स्वरूप, सत्ता, निजता, अस्तित्व, अपने होने के अर्थों को भूल जाता है, तब वो भ्रमित होता है, शंकित होता है, बहुत सी दुविधाएं उसे घेर लेती हैं और फिर अनेक प्रकार के दुख हैं। उन्हीं के निवारण के लिए फिर बड़े बड़े साधन करता है। इसे शास्त्र आरंभ करूं मैं कोई, तो सनातन शास्त्र ये कहते हैं कि मनुष्य के प्राय सभी प्रयत्न दुख निवारण के लिए हैं। अत्यंत दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए ही उसका उद्योग है, जो मानवीय उद्योग है, जो मानवीय श्रम साधन है, जो मनुष्य के द्वारा किए जा रहे साधन है, अथवा उसका संग्रह, संचय, भंडारण, ये सब इसलिए है कि वो सुख पाना चाहता है, दुख से निवृत्ति चाहता है। और दुख के कारण यह आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तो कुछ ऐसे क्लेश हैं जो अज्ञानता से पैदा हुए हैं, आत्मविस्मृति के कारण पैदा हुए हैं। कुछ ऐसे क्लेश, कुछ ऐसे विकार, कुछ इस प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं, अकारण एक अल्पता,
जो है नहीं, है ही नहीं अल्पता, पर वो कहीं अविवेक के कारण, अविचार के कारण, अविद्या के कारण, अनभ्यास के कारण, अनभ्यास करते हैं क्योंकि हम एक सही अभ्यास नहीं कर रहे, उसके कारण एक अल्पता का बोध की बड़ी कमी चल रही है, कमी है नहीं, हम बड़ी कमी में चल रहे हैं, अल्पता में है। तो ये जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जैसे क्लेश हैं, जिसके लिए तुलसी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तुलसी ने जिनको ऐसे सरल शब्दों में परिभाषित किया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, जैसे भौतिकी है उत्ताप अकारण, कई तरह से हमें इशंश है, तो ये सारे के सारे हमें सुखी नहीं होने देते। जो हम हमारे आसपास दुख है, जो किसी कारण भय है वो, और तनाव की बात चूंकि आज की चर्चा का एक बिंदु है, तो तनाव, अब तनाव तो उसको ऐसे परिभाषित करने चले तो वो मनोविज्ञानियों ने तो उसके पता नहीं कितने नाम रख दिए, मनोचिकित्सक तो पता नहीं किस ढंग से कह रहे हैं, वो मानसिक रोग तो है ही वो तनाव। और इसे शास्त्रों ने परिभाषित किया है दो प्रकार के, जो ये ताप है जिनमें आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तो समझ में आते हैं, पर तीसरा कई बार ताप समझ नहीं आता, वह आध्यात्मिक, एक आध्यात्मिक क्लेश भी होता है। तीन प्रकार के क्लेश बताए, आदि दैविक, आदि भौतिक और तीसरा आध्यात्मिक, एक आध्यात्मिक क्लेश भी है जीवन में। और ये आध्यात्मिक क्लेश का अर्थ हुआ कि हम अकारण दुखी हैं, ऐसे शंकित हैं, भ्रमित हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, अकारण ही हम यूं न जाने क्यों दुखी हैं, बस हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं जी, हम बड़े चिंतित हैं। अब वो चिंतित क्यों हैं? क्योंकि जो मनवांछित है, मनायाचित है, मनाकल्पित है, जो मनोरथ है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो चूंकि मन जो जो चाहता था वो हो नहीं रहा है इसलिए दुखी है, नहीं हम तो बड़े दुखी हैं। तो तनाव किस लिए है ये, या उसको और तरह से परिभाषित करें, जो जैसे डिप्रेशन एंजाइटी है, ये जो एंजाइटी है, ये जो डिप्रेशन है, और ये जो स्ट्रेस है, ये जो अननोन फियर है, और एक ऐसा ही एक यही प्रेशर है, एक प्रेशर में हम, एक अननोन फियर, एक तो फियर यानी एक नोन फियर, एक तो एक भय समझ में आता है, पर एक अननोन फियर, एक ऐसा ही भय, एक अलग तरह का भ्रम, एक अलग प्रकार के संशय, यूं ही मनगणंत दुविधाएं, आशंकाएं, आजीविका को लेकर, ऋतुकाल परिस्थितियों को लेकर, भविष्य को लेकर, जो विषय हम जिन्हें जानते नहीं वो भी विषय हमारे चिंताओं का बन जाते हैं कई बार, ये क्या है? ये आध्यात्मिक क्लेश, जो इस तरह के तनाव हैं, जो इस प्रकार के, अब तो नए नए तनाव हैं, सूचना की तकनीक ने नए तनाव परोस दिए हमको, सूचना की नित्य नई तकनीक, संचार की क्रांति ने संवाद त्वरित दिए हैं, समाचारों का आदान प्रदान है, तो ये दिया क्या इस विज्ञान ने? मैं अपने विषय पे आऊंगा, पर मुझे एक बात आपसे कहनी है कि विज्ञान का ये आश्वासन था कि वो आपको समय दे देगा, बैलगाड़ी से चलते थे और धावक दौड़ते रहे होंगे संदेश लेकर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संदेश जाता रहा होगा, तो कितने दिन में पहुंचता होगा वो पत्र? और तब तो गांधार हमारे पास था, अफगानिस्तान हमारे पास था, पाकिस्तान से भी दूर हम, वहां ये सब बलूची पख्तूनी गद्दियां सिप्पियां बकर वाली कश्मीरी सिंध और दूर तुर्की तक, नाउ न्यू वर्ल्ड नॉट तुर्की, तुर्की तक हम थे। तो वहां से चलता हुआ एक धावक, वहां से चलता हुआ एक संदेश वाहक, और अगर पहुंचता होगा चेन्नई मेड्रास या वो और भी आगे, तो देश हमारा ब्रह्म देश भी था, मलक्का मलाया सिंगापुर कंबोडिया और ये मंगोलिया तक हम थे,
तो कल्पना तो करो कि वो संदेश कितने दिन में जाता रहा होगा और अब कितने दिन में आ जाता है। तो विज्ञान ने तो ये कहा कि हम आपको समय देंगे, तो विज्ञान ने न केवल हमें यातायात की त्वरितता दी, संदेश कितने त्वरित हैं, पर देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अंतहीन साधनों ने अपरिमित असंतोष दिया है हमको। अंतहीन साधनों ने, साधनों की अधिकता, साधनों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता हमें मिलती गई। आज पदार्थों की प्रचुरता है कितनी, इतने पदार्थों कभी थी नहीं, घर आंगन में नहीं थे, वार्डरोब में इतने वस्त्र नहीं थे, कहाँ थे सब इतने साधन 70s में। चलो यहाँ युवक और युवतियाँ, तरुण और तरुणियाँ, किशोर बैठे हैं, उन्हें नहीं पता, तो कुछ जो बैठे हैं जिन्होंने देखा कि 70 में तो कुछ नहीं था। तो साधन, साधनों की अधिकता, भौतिकीय साधनों की अधिकता ने, अथवा पदार्थों की प्रचुरता ने, अथवा वस्तुओं की बहुलता ने, संचार की क्रांति ने, सूचना की तकनीक ने अब नए तनाव दिए हमें। इनसे तो हम परिचित थे ही नहीं कि ये भी तनाव हमारे हाथ आएंगे। तो जो हमें ये कहा गया कि बहुत समय मिलेगा, तो उस समय में हमने एक नया शब्द सीख लिया है कि हम तो बड़े बिजी हैं। हमने आहार के लिए समय नहीं है, निहार के लिए समय नहीं है, निद्रा के लिए समय नहीं है, एक अलग तरह का तनाव है, अलग तरह का तनाव। ये जो आध्यात्मिक क्लेश जिसकी मैं बात कर रहा था, ये नासमझी है, ये अविवेक है, ये सत्य से विमुख होकर और बहुत अधिक पदार्थों के आकर्षण और प्रलोभन में उलझ कर अपने को पूरा भुला कर हम बड़े तनाव में, बहुत तनाव। एक अध्यात्म शब्द है, इसमें एक और शब्द है ना, तनाव विसर्जन में अध्यात्म की भूमिका, ये एक शब्द, ये एक तरह से पंक्ति ऐसे लिखी गई है, तनाव विसर्जन में अध्यात्म की भूमिका। ये अध्यात्म शब्द क्या है भाई, अध्यात्म माने अध्यात्म, अध्यात्म स्वयं की ओर लौटना, अपनी ओर लौटना, स्वभाव में, निजता में, अपनी प्रकृति में, अपनी सत्ता में, अपने अस्तित्व में, अपने आप में। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं में आना, उपासना का भी यही अर्थ है, संस्कृत भाषा का शब्द है उपासना, चूंकि मैंने वो भाषा पढ़ी है तो उस भाषा के लालित्य और माधुर्य, उसकी विकटता और उसकी प्रचंडता और उसकी जटिलता में नहीं जाना चाहता मैं, उसके माधुर्य तक मैं रहना चाहता हूँ। संस्कृत का तो बड़ा अद्भुत माधुर्य है, भाषाशु मधुरा पवित्रा दिव्या सुर भारती, अद्भुत भाषा है संस्कृत भाषा। तो मैं एक निवेदन आपसे कर रहा था कि ये जो स्वभाव है हमारा, उससे हम परे गए। अध्यात्म माने स्वभाव की यात्रा, तनाव विसर्जन में अध्यात्म की भूमिका। तो जो आध्यात्मिक प्रयोग है हमारे, वो हमको तनाव से मुक्त करते हैं। जैसे मैं थोड़ी भक्ति की बात कहूँगा, भक्ति में, भक्ति का अर्थ है हमें इष्ट की प्रतीति होती रहे, इष्ट की विद्यमानता का अनुभव होता रहे, उसके ऐश्वर्य विभूति का, उसके बल का, उसकी अनंतता का, उसकी करुणा कोमलता का, उनकी दया का। तो भक्त उसे कहेंगे जो उनकी निकटता को अनुभव करता है। इस पर मुझे एक अपना प्रसंग याद आता है कि बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़े व्यक्ति भारत के, और हम सन्यासी सबकी गोपनीयता बनाकर रखते हैं, वो एक बहुत बड़े विचारक और बड़े एक नामचीन राइटर, और मैं उनका बहुत आदर करता था, और ये मुझे नहीं पता था कि उनके मन में संतों के लिए बड़ी श्रद्धा है। तो बहुत श्रद्धा के वशीभूत होकर उन्होंने मुझसे कहा कि एक बहुत व्यक्तिगत एक प्रश्न है मेरा, तो बहुत सोच समझ के उसका उत्तर देना आराम से, मुझे शीघ्रता नहीं है, पर मेरा प्रश्न है जो बहुत दिनों से था मन में। एक अच्छे विचारक, मनीषी, बड़े एक अच्छे लेखक और एक चर्चित व्यक्ति, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, प्रयास करूँगा मैं उत्तर देने का, प्रश्न है क्या। तो उन्होंने बहुत धीरे से मुझसे कहा कि मुझे आजकल भय लगता है।
तो मैं बहुत सहज नहीं रह पाता, तो जीवन की सहजता चले गई, भय लगता है मुझे और एक इनसिक्योरिटी फील होती है, असुरक्षा की भावना मन में घर बैठ गई है। मैंने मनोविज्ञान भी पढ़ा है और बहुत समझने के बाद भी मैं तह तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, समाधान नहीं हो पा रहा मेरा, तो मुझे भय लगता है कि मैं चर्चित नहीं रहूँगा, ख्यात नहीं रहूँगा। मूलतः तो मैं शिखरस्थ और शीर्षस्थ होना चाहता हूँ। अब बोलते जा रहे थे चूंकि साहित्यकार थे, ये तो मैं अपने शब्दों में उनके मन की बात बता रहा हूँ, कदाचित ये शब्द नहीं रहे होंगे उनके, ये तो शब्द मैं दे रहा हूँ उनके मनोभाव जो थे। उन्होंने कहा कि मूलतः मैं चर्चित होना चाहता हूँ, ख्यात होना चाहता हूँ, शीर्षस्थ होना चाहता हूँ, शिखरस्थ होना चाहता हूँ, लोकप्रिय होना चाहता हूँ, एक और बात, मैं स्थापित होकर रहना चाहता हूँ। ये शब्द उन्होंने इतने नहीं कहे होंगे, ये कह रहे थे वो ये बात, ये नहीं कह रहे थे, मतलब बात यही थी, पर मैं अपने शब्द बोल रहा हूँ कि जैसे व्यक्ति अपना वर्चस्व चाहता है, स्वामित्व चाहता है, प्रभुत्व चाहता है, नेतृत्व चाहता है, आधिपत्य चाहता है, टिका जाना चाहता है, अब वो टिके तो रहेगा नहीं, वो सब तिलस नहीं रहेगा ना, कभी तो टूटेगा, कभी तो आकर्षण जाएंगे। वो ये कह रहे थे मुझे भय लगता है और कभी कभी बहुत अधिक भय लगता है, तो इस पर मुझे आपका समाधान चाहिए। तो मैंने तो एक ही पंक्ति में कोई बात कही और वो उनको बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा मुझे उत्तर मिल गया। मैंने उनसे कहा कि आपको अगर भय लग रहा है तो एक ही बात है, आप भगवान से दूर चले गए और कोई कारण नहीं है, अपने इष्ट से दूरी हो गई आपकी। अगर आपको भय लगता है, आप किसी तनाव में हैं, एक बड़े किसी एक सीवियर डिप्रेशन में पहुंच गए आप, और ये जो औषधियां ले रहे हैं जिससे आपको नींद आती रहती है, दिन भर आप ऊँगते रहते हैं और आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है, पाचन तंत्र ध्वस्त हो गया है, स्मृति भी आपका उसका लोप होता जा रहा है, और ये जो इस प्रकार की औषधियां हैं ये सचमुच बड़ा असहज करती हैं पाचन तंत्र को, हमारी निद्रा का संतुलन बिगाड़ती है, आहार विहार प्रकृति हमारे पाचक रस और बहुत प्रकार का हमारे तंत्रिका तंत्र पर नर्वस सिस्टम पर इनका बड़ा तीव्र और घातक प्रभाव होता है इस प्रकार की औषधियों का जिनका वो सेवन कर रहे थे। हमने कहा भगवान को भुलाए बैठे हो, मुझे प्रहलाद याद आ गया, और हमने कहा प्रहलाद को डर नहीं लग रहा था न अस्त्र शस्त्र से और न होलिका के उत्ताप और उसकी भीषण ज्वालाओं से, वो भयभीत नहीं हुआ, प्रहलाद को भय नहीं लगा कि ये होलिका जलाकर भस्म कर देगी, अथवा पिता के अस्त्र शस्त्र और ये कुछ वो निस्तेज भी हो गए, वो अस्त्र शस्त्र वो तेज कहाँ रहा उन अस्त्र शस्त्रों में, निस्तेज हो गए, प्रभावहीन हो गए। हरि ही सर्वेषु भूतेषु, प्रहलाद ये कहता है जब उसके पिता ने कहा कि मुझे देखकर तुझे भय नहीं लगता है क्या, तू जानता है कि मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, मैं कभी नहीं मारा जा सकता, मुझे वरदान मिला हुआ है, मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, मैं किसी प्रहार में मेरे ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकता, काल का भी प्रहार मुझ पर नहीं हो सकता, मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, सनातन हूं, समीचीन हूं, सामायिक हूं, मैं हूं, मैं रहूंगा। और उसके पुत्र ने चुनौती दी कि नहीं नहीं आप सामायिक नहीं है, आप सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है, आप नित्य नहीं है, आप नित्य नहीं हो सकते, नित्य ईश्वर है, और मुझे आपसे भय इसलिए नहीं लग रहा है कि आप सर्वोच्च नहीं है, नहीं नहीं, और अगर आप सर्वोच्च होते तो करुणा होती आप में, प्रेम होता, स्नेह होता, आप ऐसे प्राण नहीं ले सकते किसी के, जो ये इस तरह से जो प्राण ले रहा है किसी के, जो इतना उन्मादी है, जो निरंतर आवेश में रहता है, जो कभी स्थिर नहीं रहता और इतना भयभीत रहता है जो व्यक्ति, वो शाश्वत नहीं हो सकता। पिताजी आप में निरंतर भय रहता है कि मैं बना रहूं, जो बने रहने का भय है आप में कि मैं तो बना रहूं और ये जो मुझे कोई चुनौती ना दे सके, ये जो आपके भीतर का भय है इसका अर्थ है कि आप शाश्वत नहीं है। शाश्वत वो है जो निर्भीक है और अभयम सत्व संशुद्धि, मैं इस विषय पर आऊंगा ये कहकर कि जैसे हमें अभयता आती है
तो हम शुद्ध हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। उस व्यक्ति से मैंने कहा, जो बहुत बड़े व्यक्ति थे, हमने कहा भगवान से आप दूर चले गए और इसलिए भय है। और हमने प्रहलाद की बात कही कि प्रहलाद में तो भय था ही नहीं, अस्त्र शस्त्र का भी भय नहीं है, और उसने चुनौती भी दी। हरि ही सर्वेषु भूतेषु, वो प्रत्येक कण में है, वो नित्य विद्यमान है, और वो कभी अहित नहीं करता, अमंगल नहीं करता, अनिष्ट नहीं करता। एक और बात भी है, इष्ट इष्ट तो उसी को कहेंगे ना जो हमारे अभीष्ट की सिद्धि करता है और अनिष्ट से निवृत्ति करे, वही तो इष्ट है हमारा। हमारा इष्ट वो है जो अनिष्ट से निवृत्ति करता है हमारी। अनिष्टकारक जितनी चीजें, अमंगलकारक जितनी चीजें, जो हमारे अमंगल का नाश करता, अशुभ का नाश करता है, वही तो ईश्वर है। तो इतनी जो उथल पुथल उसमें बनी हुई थी कि सदा मैं बना ही रहूं, मेरी चर्चाएं रहे, तो बड़े तनाव का कारण तो यह भी है कि कोई और आगे ना चला जाए, किसी भी गलियारे में मैं ही रहूं, हर जगह मैं रहूं, तो मेरी ही तो चर्चाएं रहें, मैं बना रहूं। और उसके लिए वो एक इतना बड़ा उद्योग, वो एक बहुत बड़े व्यक्ति, मेरे मन में तो बड़ा आदर उनके लिए। और फिर वो ये कह भी रहे थे कुछ दिनों के बाद कि आप ठीक कह रहे हैं, जो भक्ति है हमारा भय छीनती है, जो भगवत प्रतीति है, जो भगवत विश्वास है, वो हमारे भय को छीनता है, हमारे तनाव को छीनता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इतने मनोरोगी हम हैं नहीं जितने पश्चिम में हैं, हम नहीं हैं उतने, हम उतने मनोरोगी नहीं हैं, हम उतने अधिक चिंतित और व्याकुल और व्यथित नहीं होते। हाँ, हमने पश्चिम के लोगों से सीख ली होगी ये बात, हमें ऐसा है नहीं अभी भी हम बड़े हर्ट हो गए ना, हम हर्ट नहीं होते इतनी जल्दी। ये बाहर के शब्द हैं जो हमने सीख लिए हैं कि हम तो हर्ट हो गए, नहीं, हम इतनी जल्दी घायल नहीं होते, होते नहीं हैं, हम इतनी जल्दी व्याकुल होते नहीं हैं, हम चिंतित होते नहीं हैं। बड़े उपाय हैं हमारे पास, प्रकृति हमारे पास है, हमारे पास मंत्र है, अपने आहार की विधियाँ हैं, अपने हैं, बहुत कुछ ऐसे हमारे संबंधी प्रियजन और बंधु बांधव इष्ट मित्र, जीवन का अपना ही एक ढंग। हाँ, उससे जब कभी आप किनारा कर जाओगे, जब कभी आप प्रकृति से परे चले जाओगे, स्वभाव से परे चले जाओगे, तब भय आएगा, तब तनाव आएगा। इसे जो अध्यात्म है उसकी अद्भुत भूमिका है जीवन में, व्रत और उपवास की, अर्चना और साधना की, मंत्र जप की, सूर्य को अर्घ देने की। अब पूरी धरती पर चर्चा है इस बात की कि ये जो भारत के लोग हैं, इनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती थी, अब इसलिए होने लगी कि सूरज को अर्घ नहीं दे रहे। उतनी देर के विटामिन डी बहुत है कि सूर्य का आगमन हुआ है, भुवन भास्कर का आगमन, और उसके आगमन पर हम सूर्य को अर्घ दें। वो बड़ा विज्ञान है कि भोर में हम दूर्वांकुरों का चयन करें गणपति अर्चन के लिए, बिल्वपत्र का, धतुर शमी विजया बिल्वपत्र और तुलसी पत्र का, ये अद्भुत औषधियां हैं, अद्भुत। जैसे आप तुलसी के पत्ते तक पहुंचते हैं, अध्यात्म की भूमिका बता रहा हूं मैं, तनाव विसर्जन में छोटी सी बात है ना, बहुत छोटी सी बात हुई कि आप जाइए तुलसी पत्र का चयन कीजिए, तो जैसे ही आप तुलसी पत्र तक जाएंगे, तुलसी के वृक्ष तक जाएंगे, वो बहुत विराट नहीं है, बड़ा नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं लगानी है, वो छोटा सा, आपको झुकना भी नहीं है, बस आप धीरे से वहाँ से दो तुलसी दल ले लीजिए, दो तुलसी पत्र ले लीजिए भगवान को चढ़ाने के लिए। बड़ा विज्ञान है, उसमें मर्करी होता है, और ये तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या नहीं होता, औषधि है वो, दिव्य औषधि। अगर वो उदर में सरक गई तो पता नहीं कितनी उदर की विकृतियों का वो शमन करती है। और जो निरंतर ऐसे तुलसी दल ग्रहण करते हैं, उनमें विस्मृति होती भी नहीं, स्मृति लोप नहीं होता उनका, उनका जल्दी तंत्रिका तंत्र प्रभावित नहीं होता, उनमें कुछ किसी प्रकार का डिसऑर्डर यानी असंगति नहीं होती है। बहुत अद्भुत औषधि है, अध्यात्म की भूमिका। तो तुलसी दल उतारिए, और गणपति अर्चन के लिए आप थोड़ा इधर उधर, उसमें बताएं बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, थोड़ा घूमते हुए झुकते हुए। हाँ, आपके घर में अनुचर चाकर और बहुत प्रकार के सेवक हो सकते हैं, पर गणपति गणेश जी की अर्चना और साधना के लिए दूर्वा का चयन आप स्वयं करें, उसमें ये स्पष्ट निर्देश है।
आप अशक्त हैं, असमर्थ हैं, विवश हैं, रोगी हैं, रोग सैया पर है और रुग्ण की उच्चता है अथवा तीव्र ज्वर है अथवा आप इतने अधिक असमर्थ हो गए हैं कि आप दुर्वांकुरों का चयन नहीं कर सकते, कुछ और तरह का कोई रोग है, मेरुदंड में कोई विकृति आ गई कि आप झुक ही नहीं सकते हैं, तो बात अलग है कि आपका रामू श्यामू और बहादुर ले आए तो उतार कर वो क्या है ये दुर्वांकुर थोड़ा निकली है भैया, पदत्राण उतारी है, अरे चप्पल उतारो जूते उतार कर थोड़ा घास पर चलिए और दुर्वांकुरों का चयन कीजिए। और जब थोड़ा सा दुर्वांकुरों का चयन करेंगे, तुलसी पत्र, धतूर, विजया, शमी, पुष्प, जल अर्चना के लिए अद्भुत अद्भुत चीजें। मैं तो चूंकि आचार्य हूं तो प्रतिदिन उपासना करता हूं, त्रिकाल संध्या हम लोग करते हैं, तो ये तो मेरे जीवन का अभिन्न अंग है ये सब। और उस कारण फिर सूर्य की उपस्थिति में और उसके पूर्व की चीजें, तो जब से हमने ये भोर अति भोर अथवा ब्रह्म मुहूर्त में जागरण हमारा छूट गया तो न जाने कितनी विकृतियां विकार आ गए। एक बार मैं अपनी विदेश की यात्रा में किन्हीं के घर था और वो कहने लगे कि यहाँ के मनोवैज्ञानिक ने असफल व्यक्तियों के 24 सूत्र बताए, कौन असफल रहते हैं, किन को सक्सेस नहीं मिलती, किन का कैरियर चौपट हो जाता है। और आज तो स्ट्रेस डे है, पूरे भारत के युवा आज भैया सिविल सर्विस के एग्जाम देकर आए बच्चे, आज तो क्या डे है, देखिए आज का दिन तो इस तरह का है, सिविल सर्विस की तैयारी में से निकल कर आए बच्चे। कौन है जिनको असफलता हाथ लगती है, तो जिनके घर में मैं ठहरा था उन्होंने कहा ये 24 कारणों से व्यक्ति असफल हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे पुस्तक दिखाओ, और उनके घर में उनकी बालिका ने कहा कि इसमें जो सबसे बड़ा सूत्र है वो ही है असफलता का कारण। हमने कहा वो क्या है, बोले जिनको भोर में जगना नहीं आता उन्हें क्या सफलता हाथ लगेगी, जो सवेरे ढंग से जग नहीं सकते, जिनको जगना तक नहीं आता, जिन्हें सूर्य को प्रणाम करना तक नहीं आता। मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, अमेरिका की बात कर रहा हूं, जिन्हें हम बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं, अरे बहुत जल्दी जगते हैं, बहुत जल्दी सोते हैं वो लोग, उनके में और बातों की तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जगना तो उनको आता है, जल्दी जगते हैं वो लोग। भोर में ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल नहीं, प्रातःकाल में जागरण की बात नहीं कहता है शास्त्र, ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल तो उसे कहेंगे जब सूरज की किरण धरती को छूती है, उस काल को कहते हैं प्रातःकाल, जिस दिन जब से दिन शुरू होता है, दिन 24 घंटे का होता है। आंगल भाषा में हो सकता है कि उस तरह की गणनाओं में चीजें अदल बदल हो गई हो, लेकिन कालगणनाओं के हिसाब से उसमें न जाकर जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल, फिर पूर्वाह्न काल, फिर है मध्यान्ह काल, फिर है अपराह्न काल, फिर है संध्या काल, और रात्रि और संध्या के बीच में एक और काल है प्रदोष काल। तो जो हमारी आध्यात्मिक चर्या है उस आध्यात्मिक चर्या में काल का सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। यह सच है कि देश काल परिस्थितियां बदलती रहती हैं, एक बहुत बड़ा सच है कि हम जैसे जैसे साउथ पोल की ओर जाते हैं तो वहां सूरज के निकलने छुपने के भी समय कुछ और तरह के हो जाते हैं, नॉर्थ पोल पर जाकर, या कि पिछले 2 साल पहले मैं संयोग से सेंट पीटर्सबर्ग था, रशिया में था, तो वहां सूरज की और तरह की अवस्था थी। लेकिन हम भारतीय हैं, हमको ये बताया गया कि हमारा आहार विहार निहार कैसा हो, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, हम जब अध्यात्म की बात करते हैं तो उसमें आहार की बात आती है कि हमारा आहार कैसा हो, उसमें ये इस तक हमारे आहार में सब चीजें समाविष्ट हो। भले ही हम ऋषि मुनियों की तरह से करें आहार शाक फल कंदा, हम भले ही हिमवत्तिकाओं में जाकर अथवा गिरिकंदराओं में गुहाओं में जाकर, मैं वहां संन्यास की बात नहीं कर रहा हूं पर मैं आहार की बात कर रहा हूं। तो अध्यात्म का एक जो हिस्सा है वो आहार है, उसमें शाक फल कंद अन्न जल ये
शाक कितना लें, कंद कितना लें, अन्न कितना लें, शाक फल कंदा। इस धरती के सबसे बड़े राजा मनु और शत्रुपा ने कहा कि अब हमें अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष करना है, अपने को एलिवेट करना है, चेतना के उन्नयन उत्थान के लिए और परम सत्य को जानने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए हमको तो तप करना है। पूछा उन्होंने कि हम तप कैसे करें, ये क्या करें तप, धरती किस तरह से तप आरंभ करें। तो उनके गुरु ने कहा कि ये शाक फल कंद लीजिए, पहले आहार ठीक कर लीजिए अपना। और मैं आपसे भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि जिसका जिसका भोजन ठीक नहीं है उसे भजन तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप कहते हैं हमारा भजन नहीं हो रहा है, मैंने भोजन तो ठीक करो। रावण यही तो बात कहता है कि मैं बहुत तामसी हूं, तमोगुणी हूं, होए भजन नहीं तामस देहा, मैं बड़ा तमोगुणी प्रकृति का व्यक्ति हूं, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैं भजन नहीं कर पाया, मैंने किया तो बहुत कुछ है, मैं बहुत आध्यात्मिक नहीं हो सका, मैं सहज नहीं रह सका, शांत नहीं रह सका, प्रशांत वाहिता संस्कारात, मैं बहुत सहज शांत, एक स्फूर्ति उमंग उल्लास आनंद मैं रह नहीं सका, बहुत नैसर्गिक बहुत प्राकृतिक, मैं रह नहीं सका बहुत आनंद और उमंग में, बस मैं स्पर्धा में रहा, इतनी स्पर्धा करता रहा मैं देवताओं से कि देवता गौण हो जाएं, मैं रुद्रों को पराजित करना चाहता था, देवगणों को, बृहस्पति को, सनकादिक नारद को, विष्णु को मैंने बहुत गौण माना, मैं राम से वैर ठान कर बैठा हूं ये जान करके कि जगदम्बा का मैंने हरण किया है। और देखिए पर ये सब इसलिए हुआ कि मैं भजन नहीं कर पाया, और मैं भजन इसलिए नहीं कर सका कि मेरा भोजन ठीक नहीं था, मेरा भोजन ठीक नहीं था, मैं अपना आहार ठीक नहीं रख सका। तो मेरे जीवन में जो मेरे पतन का कारण है वो मेरा आहार है, मैं आहार ठीक नहीं कर सका, भोजन भजन, भोजन से भजन। अच्छा भजन शब्द क्या है, भजन भज धातु, भज सेवायाम, तो बहुत संवेदनशील होना, पारमार्थिक होना, नैसर्गिक होना, बहुत नैसर्गिक होना, भजन आपको नैसर्गिक करता है, प्राकृतिक करता है, आपको सहज करता है, आपको अपने स्वभाव की ओर लेकर आता है, आप बहुत अपने में लौट आते हैं। तो अध्यात्म की जो भूमिका है तनाव विसर्जन में, अगर मैं अध्यात्म को ही परिभाषित करूं तो देखिए हमें अपना आहार ठीक करना होगा, उसका संतुलन, ऋतुभुख हो, ऋतु के फल भी लें, हम थोड़ा चबाने वाला भी आहार लें, चूसने वाला भी लें। मैं कल इसकी चर्चा कर रहा था बहुत दिनों के बाद, मैं जब भैया राजेश जी और बाबू जी के साथ बैठा था कि हम चूसने वाला आहार, चबाने वाला, चू करने वाला, चबाने वाला, जिसके लिए अहम वैश्वान और भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रता प्राण अपान समय तुम पचाम्यनम चतुर्विधम, अहम वैश्वान और भूत्वा मैं अग्नि बनकर तेरे पास बैठा हूं, अग्नि मीले पुरोहितम। चलो इनकी बात मान लें, बाहर के वैज्ञानिकों की अथवा इन जो इतिहासकारों की और वहां के दार्शनिकों की, तो कहते हैं 10,000 वर्ष से पुराना ऋग्वेद नहीं है। अरे भाई 10,000 ही मान लीजिए, लेकिन है तो पुराना ना, सबसे पुराना वही है ना। और वो ज्यूश जो है, मतलब मैं ऐसे धर्म की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रंथ की बात कर रहा हूं, और उस सबसे पुराना अगर आद्य कोई ज्ञान का भंडार है तो वेद है, वेद में भी पहला ऋग्वेद है, ऋग्वेद की भी जो पहली ऋचा है, अगर कोई मुझसे पूछे पहली ऋचा क्या है तो वो है अग्नि मीले पुरोहितम, अपनी अग्नि को संभाल कर रखो, एनर्जी को। और ये आपकी जो अग्नि है यही आप में रूप लावण्य सौंदर्य मादकता मांसलता आकर्षण आप में ओज आप में विभूति आप में दीप्ति नवलता आप में स्फूर्ति आपका विवेक ये संभाल के रखेगी अग्नि। और वो अन्न से पैदा होती है, वायु से भी, ज्ञान से भी। और ये जो क्रोधाग्नि है इसे कौन कंट्रोल करेगा, अपने अवसाद को कैसे नियंत्रित करोगे, क्षमा कीजिए कामाग्नि, कामाग्नि का अर्थ केवल एक ही तरह की प्रवृत्तियां नहीं है, पूरे संसार को पालने की जो एक उद्दाम भूख है,
ये जो भोगवांछाएं हैं, ये जो अनियंत्रित कामनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं के सब भोग लूं मैं, पहले इकट्ठा करूं फिर भोगेंगे। ये जो अग्नि है, इस तरह की विषय अग्नि, ऐसी जो अग्नि है, ये अग्नि अगर आपका आहार ठीक नहीं है, आपके पास ज्ञान का अंकुश नहीं है, तो अग्नि भड़क जाएगी। अग्नि मिले पुरोहितम। तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि आहार विहार निहार, हमारा भोजन ठीक होना चाहिए। भोजन ठीक है तो भजन अपने आप ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं असहमत तो नहीं उनसे, पर ये मेरे समझ अभी तक नहीं आया कि रात भर पढ़ेंगे दिन में सोएंगे। भाई पढ़ाई तो हमने भी की थी अवस्थी जी, हम भी पढ़े, और आप तो खैर अभी तो यू आर द लाइक मतलब एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट मेरे सामने बैठा है जो पूरा देश चलाता है एक तरीके से, पर ये उत्तर प्रदेश तो देश है पूरा। ये बस संतुलन को संभाल के आपको रखना होगा, संतुलन, आपको निद्रा को इग्नोर नहीं करना होगा। बहुत तरीके का भय और बहुत तरीके के तनाव और बहुत तरीके की विकृतियां मानसिक पैदा हो जाएंगी अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो। बहुत आवश्यक है नींद का पूरा होना। फिर एक निहार यानी विसर्जन, कुछ चीजें आप में से निकले। अगर आपके पास में ज्ञान पहुंचाए, विवेक पहुंचाए, आध्यात्मिक विचार पहुंचाए, तो ध्यान रखना कुछ चीजें अपने आप ही वो फिर से एक आंगल भाषा का प्रयोग, ये डिटॉक्सिफाई डिटॉक्सिकेट आप अपने आप होंगे। डिटॉक्सिकेट बहुत सी चीजें प्राकृतिक लेने के बाद, और जैसे ही ज्ञान आपके पास पहुंचेगा तो ज्ञान आपको डिटॉक्सिकेट करता है। अच्छे विचार सुनकर एक बहुत अद्भुत बात कही वेद ने कि अगर आपको सही होना है तो पहले सुनो। श्रवण मंगलम भद्रम करणे भी सुनयाम देवा भद्रम पक्ष्यम। अच्छा बोलोगे तब, अच्छा करोगे तब, जब आप अच्छा सुनेंगे। यहां से ठीक डिपॉजिट करो, जो अभी इतना लोडेड हो गए आप, इतना डिपॉजिट कर लिया आपने पता नहीं क्या क्या देखकर और सुनकर ज्ञान से। तो आहार भी एक ये है, कौन सा? विचार आहार। एक आहार ये भी है विचार, ठीक विचार। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, बच्चे यहां बैठे हैं, कि आदमी अर्थ से बड़ा कभी नहीं होता। और हमारे भारत में क्या पूरी धरती पर अभी तक भी अर्थ से बड़ा नहीं माना गया व्यक्ति को, विचार से बड़ा माना गया है। व्यक्ति विचार से बड़ा है, चरित्र से बड़ा है। उसमें बड़प्पन इसलिए है कि उसमें संयम है, शील है, सदाचार है, नैतिकता है। और मैं आपको कहना चाहूंगा जो छोटे बच्चे यहां बैठे हैं, आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मेरे पास चिंतन की शुद्धता रहे, चरित्र की उच्चता रहे, आचरण की पारदर्शिता रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो आप। एक नया युग आया है कि हम एक दूसरे के मोबाइल को नहीं देख सकते, सबके अलग अलग पासवर्ड है, ऐसी क्या मजबूरी है भाई? ये कौन सी एक व्यवस्था है? ठीक है, वो तो मैंने ऐसी आपको थोड़ा विनोद करने के लिए बात कह दी। ऐसा क्या, कौन सी प्रगति करना चाहते जीवन में, कौन सा ऐसा उन्नयन उत्कर्ष करना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से चीजें छुपा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? और मेरा संकेत एक और बात के लिए भी है कि जिसके प्रकाशन से भय लगता है कदाचित वो ठीक चीज नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसका अर्थ है कहीं उन्माद है, कहीं इसका अर्थ है कि अतिरेक है, इसका अर्थ है कहीं असभ्यता है, अशिष्टता है, इसका अर्थ है कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन है। एक इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि ये कहीं बिल्कुल ही हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां हम सारी मर्यादाओं को छोड़ रहे हैं। तो जिसके प्रकाशन से भय लगता है और गोपनीयता से ग्लानि होती है, वो चीज ठीक नहीं है कहीं, उसे न करें हम अपनों के बीच में। थोड़ा सा मैं आपको दो तीन और पंक्तियां दूंगा अलग तरह की। अरे भाई सुनकर ही तो परीक्षित के अंदर से भय गया मृत्यु का, और हुआ क्या? सुखदेव मुनि ने ऐसा क्या बता दिया, सुनाया ही तो है भाई। परीक्षित ने एक बात सुनाई, सुखदेव मुनि ने एक बात सुनाई है, परीक्षित के भीतर से भय चला गया। मैं परिवारों के बीच में बैठा हूं,
तो एक ऐसे ही आपको अच्छा लगेगा सुनकर। सीता ने बहुत प्रश्न नहीं किए, राधा रुक्मिणी के ज़्यादा प्रश्नों की चर्चा मिलती नहीं शास्त्रों में। लगता नहीं कि लक्ष्मी ने बहुत प्रश्न किए नारायण से, ऐसा आता नहीं कहीं कि ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से बहुत प्रश्न किए हुए क्यों हों, पर हाँ बार बार ऐसा आता है पार्वती ने शिव से बहुत प्रश्न किए, बहुत प्रश्न किए, लेकिन वो लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, वो सारे के सारे पारमार्थिक प्रश्न हैं शिव के सारे, पार्वती के सारे, पार्वती शिव के संवाद हैं, वही गाथा बन गई, वो जो रामायण है वो भवानी और शिव के संवाद है। तुलसी ने तो खुद से संवाद किए अपने से, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। एक अच्छे विचार जब तक आप तक नहीं पहुंचेंगे, अच्छे विचार आप बहुत सहज नहीं हो सकते। और ये बहुत पुरानी बातें हैं हमारी, हमने पंछियों से विचार लिए, गरुड़ से लिया है, काक भुसुंड से लिया है ग्रीव से लिया है, तोता से लिया है, और आप भले ही इसको मेरा अतिरेक कहें, आज भी काग जिस तरह से हमारे मुडेर पर आकर बैठता है, सच मानिए वो हमारे पितरों का मन पढ़ना जानता है, कौवा आज भी मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स बैक उसकी चेतना लौटना जानती है, जिसे हम कौवा कहते हैं, वो पितरों के मन को पढ़ लेता है, अतिथि के आगमन की आहट उसे लग जाती है, जिसे कौवा कहते हैं हम, कौवा ये काग। इस तरह से पंछियों के साथ हम जुड़े हुए थे, तोता मैना के साथ में, चींटियों के साथ, बंदर के साथ, और कोई देवता हमारा ऐसा नहीं है जो बिना पशु पंछी परिंदे के हो, बिना वनस्पति के हो। ये हमने कौन सा जीवन जीना आरंभ किया जिसमें प्रकृति, पेड़, पर्वत, झरने, झील, जलाशय, खेत, खलियान, अपने घर, आंगन, आकाश, प्रकाश और कथाएं, कहानियां सब छूट गई। हम किस प्रगति की ओर जा रहे हैं, हम चाहते क्या हैं? कहानियां कौन सुनाएगा हमें, किससे कौन सुनाएगा, किंवदंतियां कौन सुनाएगा, हम प्रकृति से कितना दूर चले गए, पेड़ से कितना दूर चले गए, पर्वतों से हम कितना दूर चले गए, धरती से। आज संयोग से ये पर्यावरण दिवस भी है आज का, जितना पेड़ के निकट रहोगे उतने ही अधिक सामर्थ्यवान रहोगे। क्या नहीं देता है पेड़, गोंद, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, उसकी समिधा सूकर हवन के लिए काम में आती है या आपके उदर की अग्नि को शमन करने के लिए ईंधन बन जाती है, क्या नहीं देता है पूरा पेड़। तो हम जब पेड़ के पास थे, बादल देखते थे, तो क्या जीवन था। अध्यात्म की भूमिका में अध्यात्म जो है इसमें ये प्रकृति के निकट जाना भी अध्यात्म है, यानी अपने पास लौटना, स्वभाव में लौटना। तो जब आप स्वभाव में लौटेंगे, अपने में लौटेंगे, तो वहां सामर्थ्य है, वहां शक्ति है। गीता की एक छोटी सी बात कहूंगा, संशय आत्मा विनश्यति। जो हमारे संशय है, जो कंफ्यूजन है हमारा, हम क्लैरिटी क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्लियर क्यों नहीं होना चाहते। भाई बुद्धिमान उसे कहेंगे, सुजान, चतुर, गुणी, महान तो वही है जिसने अपनी समस्याओं को समझ लिया है, दुविधा और दैन्य जिसके समझ में आ गए, जिसमें कम से कम भ्रम रहते हैं, कम से कम कंफ्यूजन जिसमें रहते हैं, वही तो बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन भाई, जिसने अपना समाधान कर लिया है, चित्त का स्थाई समाधान जिससे हो वो प्रयोग हमें करने चाहिए। तो गीता कहती है कि किसी भी व्यक्ति का नाश परकीय पदार्थ नहीं कर सकता, कभी भी अन्य के द्वारा आपका नाश यानी आपकी अवनति नहीं होगी। अन्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई आपको विचलित और व्याकुल कर दे, आपकी प्रसन्नता छीन ले, नहीं, किसी अन्य का अर्थ है किसी भी वस्तु में, कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटना आपको व्याकुल नहीं कर सकती। तो कौन करता है, हमारे संशय, हमारे भ्रम, हमारा अज्ञान। संशय आत्मा विनश्यति, अगर किसी की अवनति हुई है तो उसके संशय के कारण, उसके दुर्गुणों के कारण, उसके दुर्वासनाओं के कारण, उसने कोई जो अलग तरह का अभ्यास किया है, और एक अलग तरह का अभ्यास हमें अवनति की ओर लेकर जाता है, एक सही अभ्यास हमें ठीक दिशा की ओर लेकर जाता है।
तो श्रवण मंगलम अगर ठीक ढंग से सुन लिया गया है तो हमारा अभ्यास ठीक हो जाएगा। और चूंकि हम बहुत छोटे बच्चे बैठे हैं तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई अभ्यास करना है तो इन तीन चीज़ों का अभ्यास करिए। तीन चीज़ों का, बड़ी छोटी बात है, ये वेद का पहला मंत्र है। और मैं आपसे चाहूँगा कि पीछे पीछे बोलें आप, बोलिए सही सोचिए, सही बोलिए, सही करिए, थिंक राइटली, स्पीक राइटली, एक्ट राइटली, वेद का पहला मंत्र है। भाई ठीक ढंग से सोचना, तन्मय बना शिव संकल्प मस्तु, अच्छा संकल्प करिए, अच्छे विचार लाइए, और जैसे आप में अच्छे संकल्प बनेंगे, अच्छे विचार बनेंगे, आप एलिवेट होंगे, उत्कर्ष होगा आपका, उन्नत होंगे, एकदम आप में आपकी चेतना का आरोहण होगा ठीक सोचने भर से। और आप अपनी सोच की उपज है, आप अपने सोच का फल है, आप अपने सोच का परिणाम है, आप अपने सोच का उत्पाद है, आप कुछ और नहीं, अपने खुद के उत्पाद हैं आप, अपनी सोच के उत्पाद हैं आप। अब ठीक सोचिए, अब ठीक बोलिए। एक हमारे मित्र सन्यासी हैं, वो कह रहे थे कि महाराज कई लोगों को तो बोलना तक नहीं आता, चूंकि उन्होंने सीखा ही नहीं अच्छा बोलना। अभी चिंता इस बात की, पहले आंसर कर दे, जल्दी बोल दें, हम जल्दी उत्तर दे दें। आप किसी समूह में देखेंगे कुछ लोग बड़े उतावले हैं, वो एकदम उत्तर देना चाहते हैं, हम आंसर पहले करना चाहते, एक बार आंसर दे दें हम। अरे मैं तहजीब के शहर में आया हूं तो मुझे पता नहीं एक शेर याद आता है किसका, राम जाने, एक तहजीब का शहर है तो भाई बहुत वैसा नजाकत का शहर है और अच्छा लगता है लखनऊ जब आते हैं तो, पर आना बहुत दिनों के बाद होता है। जब भी बोलिए, किसने लिखा है कि जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए मुक्तसर बोलिए, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, स्पीक राइटली, स्पीक राइटली, ठीक ढंग से आपने सुना है तो आपको बोलना आ जाएगा, आपको करना आ जाएगा। और जिनमें ज्ञान है, संयम है, सदाचार है, शील है, जिनके अंदर ये संतुलन है, जिनके पास में, जिनकी मेधा और प्रज्ञा रितंभरा में एकीकरण हो गया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका शरीर विज्ञानी कुछ और होता है, कुछ और तरह का, उनके नेत्रों से, भंगिमा से, उनकी चितवन चेष्टाओं से, उनकी उपस्थिति भास और आभास से पता लगता है कि ये व्यक्ति बोल रहा है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, शिष्यास्तु छिन्न संशया, यहां तक लिखा है हमारे शास्त्रों में कि गुरु कम बोलते हैं, उनका आचरण बोलता है, उनका चरित्र बोलता है, उनका व्यक्तित्व तो बोलता है, गुरु तो कम बोलते हैं। माता पिता तो अपने, हमने उनके आचरण से तो सब कुछ सीखा है, ज्येष्ठ जनों के आचरण से। और एक और बात कहना चाहूंगा, ये भी वेद मंत्र है, उसको मैं परिभाषित कर रहा हूं, आचरण की भाषा मौन होती है, आचरण के पास भाषा नहीं होती, उसे प्राय मौन होता है, उसे चुप्पी होती है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, तो हम ठीक सुने। तो जो तनाव है जीवन में, भय है, अकारण भय, बहुत तरीके का भय लिए बैठे हैं, और ये स्पर्धा के कारण है। आज इस सूचना की तकनीक ने, संचार की क्रांति ने हमको दे दिया, अपरिमित साधन आए, अंतहीन साधन आए, उतना ही असंतोष है हम में, उतना ही भय है, उतना ही तनाव है, हम सहज रहे। और जब हम सहज रहते हैं तो वो एक बड़ी चीज तो है। इसलिए जो स्वास्थ्य है, एक तन का स्वास्थ्य है और एक मन का है। हमारे जैसे हमने वसन, ये वस्त्र लपेट रखे हैं तन के ऊपर, वैसे मन पे तन लिपटा हुआ है, और वैसे बुद्धि पर मन लिपटा हुआ है, और वैसे बुद्धि लिपटी हुई हमारे अस्तित्व पर। हमारे तीन शरीर की चर्चा है शास्त्र में, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण, और चौथा महाकारण भी। तो जो व्यक्तित्व है, बाहर चिंता बहुत है व्यक्तित्व की, हम ऐसे दिखें और ऐसा रंग रूप और ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छी बात है, वो तो सब करना ही चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए आप। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें अपने मन के ऊपर, मन की चिकित्सा कर सकें कि आपके विचार, वाणी,
व्यवहार, स्वभाव, प्रकृति, अभ्यास, अध्यास, स्वीकृति, बहुत जल्दी अमान्यता तो नहीं आप में पैदा होती, आप में एकदम रिजेक्शन तो नहीं हो जाता बहुत जल्दी किसी बात को लेके, आप में अमर्ष तो नहीं है, हर्षामर्ष भयोद्योग, ये गीता के 12वें अध्याय के कुछ शब्द बोल रहा हूँ, हर्षामर्ष भयोद्योग, बहुत जल्दी आप हर्षित होकर फिर आप भयभीत तो नहीं हो जाते, अमर्ष, अमर्ष जानते हो किसे कहते हैं, कि अच्छे भले बैठे थे दूसरे की प्रगति देखकर विचलित हो गए, हम तो ठीक ठाक बैठे थे, किसी की प्रगति का समाचार आया, किसी के उन्नयन उत्थान के समाचार आए, किसी की अट्टालिकाएं देख ली, उनका वाहन भवन देख लिया, उनके आसपास की कुछ और अच्छी चीजें देख ली, तो लीजिए मूड स्पाइल हो गया हमारा, तो ये क्या है अमर्ष, हर्षामर्ष भयोद्योग, अपने पे थोड़ा हम काम करें, हमें अमर्ष तो नहीं है, जेलसी तो नहीं है, ईर्षा तो ज्यादा काम नहीं कर रही हमारे भीतर, कि ऐसा तो ईर्षा के कारण, अमर्ष के कारण हमें भय रहता है, तनाव रहता है, और जिस दिन आप भीतर ऐसा झांक कर देखेंगे बात कुछ और हो जाएगी, इसलिए हमारे शास्त्र में कहा आत्मनिरीक्षण कीजिए, मन का निरीक्षण करें, और जैसे आत्मनिरीक्षण करोगे और जिस दिन ढंग से कर लिया तो आत्म सुधार के लिए आप तत्पर हो जाएंगे, क्योंकि निरीक्षण के बाद सुधार, आपको लगता है यहाँ चीज़ें सुधारनी है, और जिस दिन आदमी सुधरने के लिए तैयार हो जाए तो फिर विकास की पटरी पर गाड़ी आ जाती है विकास की पटरी फिर दौड़ती है, क्या हम फिर चलने लगते हैं, आत्मविकास, आत्मोन्नयन, निरीक्षण कीजिए। बहुत आनंदित हूँ आपके बीच में आकर, तनाव पर तो बहुत अधिक बात कही जा सकती है, तनाव के बहुत से कारण हैं, भय है, अमर्ष है, ईर्ष्या है, और ज्ञान का अभाव है, एक 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 दोषपूर्ण जीवन पद्धति है, कि कब जगें, कब सोएं, किसी एक परिवार में थे हम, और वहाँ हमने उनसे पूछा कि आपके बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी हैं, बड़े अच्छे हैं, आज नहीं दिखाई दे रहे, तो घर की दादी ने कहा आज तुम्हारा रविवार है ना, संडे है, सोने देते हैं इनको, रविवार के दिन सोने देते हैं, तो बोले हाँ ऐसे 2-3 दिन छुट्टी में ऐसा करते हैं बच्चे, तो ये ठीक बात नहीं है, एक सही दिनचर्या प्राकृतिक रहेगा, जितने नैसर्गिक रहेंगे, जैसे सही दिन, एक बार सही दिनचर्या बन गई तो बात ही कुछ और हो जाएगी, आध्यात्मिक बनिए, इष्ट के प्रति अनुराग जगाइए, मंत्र का जरूर जाप करो, उससे बड़ी सामर्थ्य की कोई चीज़ नहीं है। आज मैं हनुमान जी के भंडारे में गया, वहाँ परिवर्तन चौक पर समन में भंडारा देकर मैं बड़ा अभिभूत था, और जब मैंने वहाँ हनुमान जी को प्रणाम किया तो मुझे वो हनुमत कुछ भाव इस तरह से पैदा हुए कि वो बड़े सामर्थ्य का देवता है। तो अपने इष्ट के प्रति अनुरक्त रहें आप, इष्ट के प्रति मंत्र, स्तुतियाँ, सूर्य को अर्घ अर्चना, माता पिता की आज्ञा, अपनों के बीच में आप ज़्यादा सुरक्षित हैं, और इस तरह से अगर आप एक प्राकृतिक जीवन शैली में लौटेंगे, अपने में लौटेंगे, स्वभाव में लौटेंगे, ज़्यादा सामर्थ्य अपने भीतर पाएंगे। प्रिय कुंवर की पुण्य स्मृति में हम यहाँ बैठे हैं, आदरणीय महेंद्र भैया जब बोल रहे थे तो वो कुछ स्मृति की बात कर रहे थे, स्पंदनों की, काल गणना की बात कर रहे थे, सच में हम भाग्यवान हैं, हम भारतीय हैं कि हमारी सब चीज़ें बड़ी प्रामाणिक हैं। मैं 2008 और 9 में, क्षमा कीजिए 2007 में एक बार मैं न्यू जर्सी में था, तो वहाँ एक अजीब बात सुनने को मिली कि यहाँ पे किसी ने पेटेंट के मुकदमे डाल रखे हैं कि हल्दी, नीम, बबूल, तुलसी और योग, ये एक साथ डाले गए थे वहाँ मुकदमे, कि तुलसी पे पेटेंट होगा, नीम पर, हल्दी पर, बबूल पर, वो लोग पश्चिम के लोग पेटेंट करना चाह रहे थे हल्दी, नीम, बबूल, तुलसी पर। तो मैंने कहा अरे क्या बावरापन है, ये तो सब भारत की चीज़ है। बोले नहीं, ये फिर बाद में वो सब मुकदमे हार भी गए, लेकिन मुझे वो बात याद आई थी कि अगर हमने पेटेंट किया होता शून्य पर, दशमलव पर, कि ये शून्य हमने बनाई है, दशमलव हमने बनाया है, प्रतिशत का प्रबोध हमने दिया है, अंक अक्षर औषधियों का ज्ञान हमने कराया है, काल की गणना हमारी अत्यंत प्रामाणिक है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारी सब चीज़ें अन्य के लिए हैं, दूसरों के लिए हैं, और यहीं से हमारा धर्म आरंभ होता है। आत्मने प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, जो हमको अच्छा नहीं लगता
वो अन्य के साथ न करें, न करें दूसरों के साथ, वो कभी न करें। आत्मन प्रतिकूला में जो हमको खुद को अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलना सोचना करना, ऐसा कोई हमारे माता पिता के लिए बोले तो कैसा लगेगा, कोई हमारी बहू बेटियों के लिए कहे, मेरी युवती पुत्री के लिए कोई ऐसा देखे बोले करे तो मुझे कैसा लगेगा जो मैं कर रहा हूँ। कोई मेरी पुत्री के लिए, मेरी भगनी के लिए, मेरी माँ और मेरे पिता के लिए, अथवा मेरे संप्रदाय के लिए कोई ऐसे शब्द बोलकर देखे, मेरे धर्म और मेरी मान्यताओं के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं भी ना करूँ। और अब बड़ी विचारधाराएं इस बात के लिए भी सतर्क हो गई है कि भाई दूसरों के मान बिंदु को चोट मत पहुंचाइए, भाषा का भी नियंत्रण ठीक रखो। आज के तो समाचार ही कुछ इस प्रकार के कि भाई भाषा का नियंत्रण न खो दें, उसका लालित्य न चला जाए, तो आप पाएंगे कि एक जीवन में सरलता आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। कभी मुझे अवसर मिले यहाँ फिर से, जैसा कि एक बार अरविंद बिष्ट जी और अम्बी बहन ने एक वहाँ गोमती के किनारे एक बड़ा पंडाल लगाकर 7 दिन एक मुझे अवसर मिला था यहाँ, तो कभी ऐसा एक अवसर हाथ लगे तो एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अंतःकरण हमारा किस तरह से उलझ गया, उसके रस और उसके माधुर्य को फिर से कैसे लौटा कर ला सके, चिंतन चरित्र और आचरण के ऊपर कोई बात जरूर करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। भैया स्वतंत्र देव सिंह, भैया स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति, बहन मालिनी की उपस्थिति, भैया अवनीश जी की, जी दिनेश सिंह जी, यस यस, तो दिनेश सिंह जी यस, तो ये सब जो यहाँ लोग बैठे हैं मान्य पुरुष, इनकी उपस्थिति भी मुझे आनंदित कर रही है। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग कुछ देर के बाद आने वाला है हमारे बीच में, भैया रघुवंशी जी हंसराज रघुवंशी जी, एक बड़ी ऊर्जा, एक बड़ी चेतना। मैं तो उनको पहली बार उस दिन मॉनिटर पर देखा वहाँ काशी कॉरिडोर में, उससे पहले कभी नहीं देखा था हमने उनको, मैंने उनको कभी सुना भी नहीं था। वो दरअसल मैं टीवी मॉनिटर से हम दूर हैं, हमारे मठ मंदिरों में टीवी मॉनिटर तो होते नहीं, वो एक अलग बात है कि हम लोगों के प्रवचन टीवी मॉनिटर पे आते हैं, पर टीवी सेट हम लोगों के यहाँ नहीं है, तो कुछ ज़्यादा पता नहीं इन चीज़ों का। पर काशी कॉरिडोर वाले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने ही वाला था और हम सब वहाँ बैठे थे कुछ देर के लिए सुरक्षा कारणों से भी, और वो अच्छा भी लग रहा था, तो ये हमारे हंसराज रघुवंशी जी मॉनिटर पर बोल रहे थे, और जब मैंने इनको देखा तो मैं चकित था, इनको सुनकर मैं हतप्रभ था। एक ऐसा माधुर्य, एक अद्भुत ऊर्जा, एक ऐसा नांद, लगा कि हम कहीं वहाँ पहुँच गए, अब मानसरोवर में पहुँच गए, ऐसा लगा महादेव के साथ हम जुड़ गए, एक ऐसा एक ऊर्जावान। संयोग से वह मालिनी बहन भी थी, और खैर वो तो भारत का स्वर है, मालिनी बहन तो हमारे भारत का गौरव है, पर वो बालक जो एक इतना ऊर्जावान है, एक नई ऊर्जा, एक नई प्रतिभा भारत की अभी आपको सुनने को मिलेगी, वो हमारे भैया अहिर रघुवंशी जी। क्या कार्यक्रम है आगे के वो तो राजेश जी बताएंगे। बस एक बात अंत में ये कहते हुए कि कोरोना काल में हमने देखा कि पूरे संसार ने और विशेषकर पश्चिम ने भारत का अनुकरण किया है, भारत का काढ़ा पिया, भारत का योग किया, भारत का आहार विहार। ऐसे कन्वर्जन में तो हमारा विश्वास है नहीं, हमको कन्वर्ट तो करते नहीं किसी को, लेकिन अगर मैं एक दृष्टि से ऐसा देखूं कि पूरे संसार में कौन सी संस्कृति ऐसी है जो चारों ओर बिखर गई है, तो वह हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति, हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति और उसके संस्कार, योग के द्वारा, अब वो आहार के द्वारा, विचार के द्वारा, हमारी जीवन शैली ने सबको आकर्षित किया है। तो ये हम अपनी स्वभाव में ही रहें तो फिर कोई भय नहीं रहेगा, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी, फिर कोई तनाव नहीं रहेगा। इसे सहज रहिए, अपने स्वभाव में रहिए, अध्यात्म में जिए, सकारात्मक रहें। ये जो पॉजिटिव शब्द है उतना भारी भरकम है नहीं जितना आपने इसे बना दिया है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता इस शब्द से। कोई मुझसे पूछे फिर आप किससे सहमत हैं, बी पॉजिटिव, नो, मैं सकारात्मक रहने के लिए आपको उपदेश नहीं करूँगा। मैं तो कहूँगा यथार्थवादी रहिए, सत्यवादी रहिए,
बी रियलिस्टिक। अरे रियलिटी में रहें ना, हम यथार्थ में रहें। तो अगर हम यथार्थ में हैं, हम सत्यनिष्ठ हैं, तो क्या बल होगा? पॉजिटिविटी करते, कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ है नहीं और उसे हम प्रयास कर रहे हैं पॉजिटिव रहने का, रियलिस्टिक। बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं, और जो यहाँ ज्येष्ठी जन है उनको भी मेरी शुभकामनाएं। हरिओम। आप सभी से आग्रह है कि लॉन में बैठ करके भजन का आनंद लें। मैंने महाराज जी से विशेष करके आग्रह किया है कि महाराज जी भी थोड़ा भजन सुनेंगे और आप लोगों को दर्शन वहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन आपको परेशान मत करिएगा, दूर से अपना मिलते हैं परेशान रहते और महाराज जी भी बैठेंगे तो आप लोग आनंद कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। चाय की व्यवस्था है, उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था है, आपको